सर कैसे इस मैच को डिस्क्राइब करेंगे और साथ ही लॉन्गर कॉन्टेक्ट कितनी मायने रखती है ये सीरीज आपके लिए? पहले तो अगर मैच की बात की जाए तो पिछले मैच में भी हमने एज अ ग्रुप डिसाइड किया था कि हम फर्स्ट बैटिंग करेंगे और खुद को चैलेंज करेंगे कि फर्स्ट बैटिंग करके हम कितना स्कोर कर सकते हैं और फिर उसको उस स्कोर को डिफेंड करना। हालांकि पिछले मैच में जैसा हम सोच रहे थे वैसा बैटिंग में रिजल्ट नहीं आया, बट इस मैच में काफ़ी अच्छे रन्स बने और मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में थोड़ा असिस्टेंस भी था पिच में जब मैच चालू हुआ, लेकिन शुभमन और ईशान ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की पावर प्ले में और इतनी तगड़ी शुरुआत दी, इसीलिए हम बड़ा स्कोर खड़ा कर पाए। और उसके बाद भी जब हमारी बॉलिंग आई तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी अच्छी फाइट बैक होगी वेस्ट इंडीज़ के तरफ से, लेकिन मुकेश का नया बॉल का स्पेल बहुत ही अच्छा था। मेरे ख्याल से जो एक थोड़ी सी हेल्प बची थी पिच में वो पूरी एक्सट्रैक्ट की उसने पिच में से, जहां बॉल टप्पा डालना चाहिए था बराबर वहीं पर डाला, दो एजेस लगे और एक इनसाइड एज में भी आउट किया। तो स्टार्टिंग के जो 3 विकेट थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और उसके बाद भी मैंने कुलदीप ने एक बॉलिंग यूनिट ने मिलके अच्छा जोर लगा के बॉलिंग की। हम यही कोशिश कर रहे थे कि हमें बस इस पिच पे भी भले उनके 3 विकेट गए शुरुआत में लेकिन पूरा एफर्ट करना है, तो यही सोच थी इस मैच के पीछे। How important was this series and what were some of the objectives of this series by the Indian team and were the objectives met? I think with the World Cup coming up, every game that you play is going to be important in team's perspective, whether it's the batting department or the bowling department or for that matter fielding also. So you're going to judge yourself, you're going to score some marks for yourself. Also the team management is going to look at you as players. There would be few players who will be looking at the selection as well. So I think for us individually also, all the games that we play before the World Cup are important, no doubt about it. And as far as the learnings, if you consider the learnings out of the series, I think it's about developing your game. I mean, how the team needs you to perform in a particular situation. Like even in the previous game when we lost some wickets, so when we went in, what's our mindset and is it going to help us when we play the World Cup? So there are a lot of things you challenge yourself mentally also in these kind of series, and also you know you judge yourself how you have fared after that. शार्दुल एक चीज बताइए, पिछले 3-4 सालों में जो भी चीजें हुई हैं हम लोग देखते हैं कि ऑन एंड ऑफ आप टेस्ट मैच हो, वनडे है, T20 में आप आते हैं खेलते हैं, आप पे अटेंशन नहीं रहती है, अनलाइक इंडियन क्रिकेट में इंडिविजुअल पे इतना फोकस रहता है। हाउ मतलब आप कैसे अपने को इस चीज को देखते हैं कि वो मतलब जहां पर इस टीम स्टार से भरी है, शार्दुल ठाकुर कम्स एज ए ओल्ड स्कूल वाला क्रिकेटर है कि भाई अपना काम चुपचाप चाहे ट्रेडिंग हो ये चीजें, हाउ इज दैट? आपको नहीं लगता कि नहीं चलो मतलब ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था कि मुझ पे अटेंशन है या नहीं है, कोई मेरे तरफ देख रहा है नहीं देख रहा है। बट अगर आप देखोगे तो आज इंडियन टीम के पास काफ़ी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, तो काफ़ी बार ऐसे होगा जहाँ पे पिच अगर स्पिनर्स को सूट कर रहा है तो वहाँ पे स्पिनर्स ज़्यादा खेलेंगे, जहाँ पे पेसर को पिच सूट कर रहा है या स्पिनर्स को उतनी हेल्प नहीं है वहाँ पे मेरा भी रोल काम में आएगा। क्योंकि पिछले कई सालों में आप अगर देखोगे तो हम एक डीप बैटिंग लाइनअप के साथ खेलते हैं, तो एज एन ऑलराउंडर हु बैट्स इन द लोअर ऑर्डर, माय जॉब आल्सो फॉर द टीम बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी हैव सीन इन अ लॉन्गर चेज, और इफ़ यू वांट टू पुट अप हाई स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स, इफ़ यू ट्राई टू एक्सेलरेट यू आर गोइंग टू लूज वन ऑड विकेट हियर एंड देयर, एंड इफ द नंबर 8 एंड नंबर 9 कैन कॉन्ट्रीब्यूट with number 6 or number 7 batter batting there or whoever for that matter, if anyone is set and has batted deep from the top order, so that role is very crucial. So I feel whenever I get an opportunity I just try to contribute towards the team success. That's my you know thought process whenever I play the game, whether it's bowling, whether it's batting or fielding. I end of the day I should be happy that I have made an effort, and you know my performances should be impactful whichever department it is, any of the 3 is fine. Shardul, obviously
ये सीरीज जैसे रोहित ने कहा कि मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू ट्राई आउट टू ऑप्शंस टू कॉम्बिनेशन, क्योंकि वर्ल्ड कप में बस कुछ ही मैचेस बस बचा है जो भी हेड ऑन टू एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप, खास करके टू ऑफ द प्लेयर समवन लाइक अ युजवेंद्र चहल तो मौका ही नहीं मिला, ऑब्वियसली कांट हेल्प इट क्योंकि टीम का कॉम्पोजिशन के चलते खेल नहीं पाया एक भी मैच, तो व्हाट डज द कॉन्फिडेंस ऑफ हिम गो बिकॉज वर्ल्ड कप के लिए कुछ ही मैचेस बाकी बचा है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि हमारी बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, तो काफ़ी बार ऐसा होगा कि किसी को कोई सीरीज़ नहीं खेलने मिलेगी या किसी को कोई मैच नहीं खेलने मिलेगी, लेकिन युजवेंद्र चहल बहुत अच्छे प्लेयर है, सालों साल परफॉर्म किया हुआ है, उन्होंने प्रूव किया हुआ है, अब बाकी उनको खिलाना है नहीं खिलाना है ये ऑब्वियसली मैनेजमेंट का डिसीजन है, तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जिस तरीके के वो प्लेयर है हम उनको कभी भी खिलाएंगे तो वो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, और देखा है हमेशा विकेट्स लेते हैं 2-3 हर मैच में, चाहे वो T20 हो या वनडे हो, तो हमेशा उनका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता ही है टीम के सक्सेस में, तो वो खुद भी एक बहुत अच्छे प्लेयर है और मुझे नहीं लगता है कि एक सीरीज़ नहीं खेले तो वो डीमोरलाइज रहेंगे या फिर कुछ भी रहेंगे, क्योंकि इसके पहले भी जब भी वो खेले उन्होंने मैचेस जीता है इंडिया के लिए। खास करके अपने खुद के बारे में आप अगर कहें कि ऑब्वियसली देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर आउट ऑफ द टीम, उसके बाद आप आए, नाउ यू प्ले ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट, ऑल फॉर्मेट्स मैचेस खेलते हैं आप, तो खास करके आपका रोल ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन लीडिंग इनटू द वर्ल्ड कप, कैसे दिखते हो और ये सीरीज का परफॉर्मेंस हाउ विल इट सॉर्ट ऑफ गिव यू कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू द एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप? मेरे ख्याल से मैं एक ही वनडे सीरीज़ खेला नहीं था, आई मीन आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, श्रीलंका के सामने जो होम सीरीज़ हुई थी वो पता नहीं था कि उसमें क्यों पिक नहीं किया गया था, लेकिन बाकी जितनी भी वनडे सीरीज़ हुई उसका मैं पार्ट रह चुका हूँ पिछले 2 सालों में एटलीस्ट, जब हम इंग्लैंड भी गए, इंग्लैंड में मैं मैच नहीं खेला लेकिन वनडे टीम में बिल्कुल था, फिर हम वेस्ट इंडीज़ आए थे लास्ट ईयर, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज़ खेले, फिर न्यूजीलैंड में खेले, वहाँ पर भी 1-2 मैच खेले, बांग्लादेश खेले, फिर घर पे श्रीलंका न्यूजीलैंड के साथ खेले, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, तो ये सारे सीरीज़ का मैं पार्ट रह चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से टीम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रही है मेरे से, इसीलिए मुझे टीम के साथ रखा गया, और जब भी मुझे खेलने का मौका मिलता है तो मैं ये सोचता हूँ कि टीम को मेरे पे कॉन्फिडेंस है इसीलिए उन्होंने मुझे ये मौका दिया हुआ है, और वैसे ही इस सीरीज़ की भी अगर बात की जाए तो एक मुझे मौका मिला और मैं काफ़ी खुश हूँ कि विकेट्स जितने 8 विकेट्स निकाले उतने में विकेट्स निकाल पाया, आई मीन इसी अपॉर्चुनिटी का हम वेट करते रहते हैं सालों साल, कभी परफॉर्मेंस होता है कभी नहीं होता है परफॉर्मेंस, ये हम जो भी मेहनत करते हैं उसी का फल हमें मिलता है, बट उसी साथ साथ आई वुड यू नो ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑलमाइटी दैट यू नो ही इज़ गिवन मी अनदर अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म हियर एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म and whichever game I play, whichever series I play, even if I perform, even if I don't perform, that will always boost my confidence because I am only adding experience to my career and you know it's just the perspective how you look at it. If you don't perform well and if you look at it as a failure, I think there's a problem with your thinking. So mere khayal se yehi soch ke aage badhna chahiye ki yes agar fail bhi hote hum, बट हमें ये 3 मैच खेलने का मौका मिला और वो एक्सपीरियंस मिला, तो गलती जो हम करते हैं उससे भी सीखने मिलता है, ऐसा नहीं कि हमेशा सही चीज़ें करने से ही सीखने मिलता है। शार्दुल, ऑब्वियसली ये आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लगातार आप खेल रहे हैं, कप्तान हो कोच हो आपने जैसे कहा कि आपको रेट कर रहे हैं टीम में, वर्ल्ड कप एक बिग टूर्नामेंट ऑब्वियसली उससे पहले एशिया कप में है, तो क्या वर्ल्ड कप को लेकर कोई इस तरह के दिमाग में है कि नहीं अब वर्ल्ड कप आ रहा है मुझे अपने स्लॉट के लिए खेलना है, टीम ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू प्ले द वर्ल्ड कप, फियर्स कंपटीशन है, लेकिन आपको लग रहा है कि एक ऑलराउंडर खासकर सीमिंग ऑलराउंडर उसकी जरूरत है, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं टूवर्ड्स द जर्नी ऑफ वर्ल्ड कप के लिए जो स्टार्ट काउंटडाउन एक तरह से देखा जाए शुरू हो गया? जी मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ कि मुझे अपने स्पॉट के लिए खेलना है, मैं वैसे टाइप का प्लेयर नहीं हूँ, अगर मैं उस सोच के साथ खेलूंगा अगर मैच तो शायद नहीं खेल पाऊंगा, अगर मुझे वर्ल्ड कप में लेते भी नहीं है तो यू नो इट्स देयर कॉल एंड यू नो आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट, सो वेरी रॉन्ग ऑफ मी टू थिंक कि यू नो मुझे मेरे स्पॉट के लिए खेलना है, मैं अब अपना काम करके निकल जाऊंगा, नहीं वैसा नहीं है, जो टीम को ज़रूरत है, जो मैच का सिचुएशन है,
मैं बस उसी तरीके से हमेशा परफॉर्म करने देखूंगा, चाहे उसमें मुझे सक्सेस मिले या नहीं मिले। ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा दोहराता हूँ मेरे इंटरव्यूज़ में, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा टीम को जिताने के लिए खेलने की कोशिश करूँगा और उसी तरीके से इम्पैक्ट करने की कोशिश करूँगा गेम में।